सब कैमरे में फोटो भी देखने में बिजी है सब लोग। ये देखो ये देखो कैमरा लाल वाला। फोटो निकालता हूँ, रुको मैं उनकी दो फोटो निकालने वाला हूँ। प्लेट आलेले आहे, फक्त प्लेट आलेले आहे। ठीक आहे, बँकेत ठेव। अरे दाल फ्राय ये पनीर पूरी चिकन डरा नहीं। इसमें ठेसा, ये दाल फ्राय, अचार, हल्दीराम का चिवड़ा, पनीर कोल्हापुरी, हाँ सॉरी पनीर कोल्हापुरी है, दाल फ्राई, ये दाल फ्राय, ठीक है, मेथी का पराठा भी है, ठीक है। अच्छा लगा होगा या वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, जरूर एक लाइक करो। एकदम जबरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अभी अपन जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, चलिए। और ये सिद्धांत सर यहाँ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यो पूरा खाई, यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल टाइप बना है। सीन कैसे लग रहा है आपको? एक नंबर। हाँ कोई चीज एक नंबर। और बाकी सब बढ़िया? अरे पीछे से प्रणीत सर आ गए तो हमें यहाँ पे आके बहुत ही बढ़िया लगा। और रणजीत सर जो हमारे शूट कर रहे हैं उनके साथ हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सारे पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप अगली बार आना चाहो तो इनके साथ जरूर आइए। अच्छा फोटोशूट भी करते हैं और अच्छे वीडियोस भी निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम देवी पॉइंट पे है। अगर आपको ये पॉइंट पसंद आया हो तो जरूर शेयर और लाइक करिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और पोस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते, बाय।
ये पॉइंट से हम निकल चुके हैं बाहर। चलिए ये घोड़े इतने बड़े घोड़े काले घोड़े सफेद घोड़े क्या घोड़े थे बाबा। अरे बाप, अभी है ये हमने ये पॉइंट छोड़ दिया है, इसे लीव कर रहे हो और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको मिलेंगे। चलो सर, किसका नाम ले रहे हैं? ये पॉइंट का नाम बता दीजिए अपने व्यूअर्स को। ये पंचबोल पॉइंट है। पंचबोल पॉइंट का मतलब होता है पंचबोल, मतलब पांच आवाज। अगर आप पांच आवाज निकाल, मतलब एक आवाज निकाल दो तो ये जो पीछे पहाड़िया देख रहे हैं वो आवाज एक मेक को टकरा के हुए वापस अपने पास ही आती है। इको इको इसरो के कोई आवाज निकालेंगे ना, कोई अपनी डेमो 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 किसी गर्लफ्रेंड वगैरह होगा तो प्लीज आप ऐसा डेमो वाला नाम अरे क्या बोलते ऐसा बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड का नाम लिया तो गर्लफ्रेंड वापस आती है। ये बात से मैं वाकिफ हूँ। सिद्धांत भाव अगर ये बात पे सिद्धांत भाव अगर नाम लेंगे तो जरूर शादीशुदा गई, शादीशुदा भी वापस आए करो आवाज सिद्धांत भाव फिर तो प्रणय तेरे पास चालू कर दो। अरे बोलो ना कुछ तो बोलो। तो अभी बताते हैं कहाँ से आते हैं, करके बताएंगे थोड़ी देर में। सिद्धार्थ मिश्रा जो हमारे दोस्त है वो अभी यहाँ से आवाज देंगे। और हमारे साथ जो सुशील भाऊ है, सुशील भाऊ डोंगरे, वो उनके बीवी का नाम मतलब हमारी भाभी प्रियंका भाभी का नाम लेंगे और वो हम शूट करने वाले हैं और वो घर जाने के बाद में उनको दिखाएंगे कि देखो आपके लिए उनके दिल में कितना प्यार है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक बार रणित सर एक बार फिर से, जिसके दिल में प्यार है वही सिर्फ यहाँ से आवाज के बदले मतलब सच्चा प्यार रहा तो आवाज वापस आएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगी। एक बार दो आवाज सुशीलो प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। तो अभी देख रहे हो कि सुशील बहुत डोंगरे डर चुके हैं, मतलब उनके दिल में उनके भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी अभी हम देख रहे हैं कि ये पिंजरा खाली है। पहले इस पिंजरे में यहाँ पे जो बंदर घूमते थे, जो लोगों को परेशान करते थे, उनको इसमें बंद किया जाता था कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, फिर पकड़ के उन्हें दूसरे जंगल में छोड़ देते थे। सही बात है क्या? हाँ, ये सच बात है। चलो अगर आपको झूठ लगती हो तो यहाँ पे आके एक बार फिर से कन्फर्मेशन ले। चलो ऊपर जाएंगे। जबरदस्त दोस्तों, अभी हम पंचबोल पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चढ़ाई का रास्ता है, खतरनाक। मॉनसून में आप एक बार जरूर विजिट दे चिखलदरा, सही गजब लोकेशन। तो नीचे ये हो गया अपना पंचबोली पॉइंट, अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
बहुत स्टीपनेस है यहाँ पे, तो थोड़ा देख के पैर रखिए भाई। भाई तुझे मजाक नहीं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं, ये पॉइंट का नाम है हरिकेन पॉइंट। देखो आपको दिखाता हूँ, स्टेप से नीचे उतर के ये कुछ लोग देखो क्या बोल रहे, ट्राइपॉड लेके कैसा घूम रहा। यही है ये भी है ये मेरा भाई ट्राइपॉड लेके घूम रहा है, बाकी कुछ इंजॉय नहीं कर रहा। और प्रणीत सर ये अभी अपन जो हरिकेन पॉइंट पे खड़े है, ये हरिकेन पॉइंट क्यों बोलते इसे बताइए जरा। तो इसे हरिकेन पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे, जहां तक कि आपकी नजर जाएगी वहां तक के हरी चादर बिछाई हुई है, मतलब पौधों की पेड़ों की हरी चादर बिछाई हुई है, पूरा हरा हरा है, इसलिए इसे हरिकेन पॉइंट कहा जाता है। कौन सा पौधा हरिकेन पॉइंट? अब ये तो पूरा जंगल ही है, जंगल में तो आप हरिहरी पॉइंट कौन सा है मेरे को बताओ। हरिकेन पॉइंट इसलिए कहा जाता है, अगर आपको लगता है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए तो आप इस पॉइंट पे आके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस कर चुके हैं और बस चाय की चुस्की के लिए हम रुके चाय के कैंटीन पे। सब दोस्त अभी चाय पीने में मग्न, एकदम अदरक युक्त चाय बनाई है भैया ने, गजब लोकेशन। और हम थोड़ी देर में अकोला रवाना हो चुके हैं। हेलो गाइस, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं होगा तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एडवेंचरस पे, तब तक के लिए जय हिंद।